तो चलिए आज हमारा सेकंड लेसन है। कल हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम उन रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख लिए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिन वाइदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और रिलेशन हमें गिवन है, ये गिवन है आर, और उसमें एलिमेंट है एक्स वाई सच दैट 3x-y = 0। और जो हमारा सेट है वो है ए और उसमें एलिमेंट है 1 to 14। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x-y = 0। और ऑन एक सेट हमें गिवन है 1, 2, 3 up to 14 तक इसमें एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस रिलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी सॉल्व नहीं है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो x और y हैं ये जो बिलोंग करेंगे वो a को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर रिलेशन बनाता हूँ तो मैं x कहाँ से आएगा, a से। तो a से x आएगा तो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे। और इन दोनों में क्या रिलेशन है कि x का मल्टीपल 3-y = 0 होना चाहिए। या हम ये कहें वी हैव 3x-y = 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू। तो आपके किस टाइप के इसमें एलिमेंट आएंगे रिलेशन में कि x का जो भी एलिमेंट आप पुट करेंगे y का जो एलिमेंट होगा वो 3x का मल्टीपल होगा 3। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कि आप x की वैल्यू 1 पुट कर लें। तो x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास इफ x इक्वल टू 1, ओके, x और y कहाँ से आएंगे, a से। तो अगर x में 1 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा बेटा, फिर x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ और x की वैल्यू में 4 पुट करता हूँ 12। और x की वैल्यू में अगर 5 पुट करता हूँ y की वैल्यू, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? क्यों, उसने कहा कि आपने x y तो लेने हैं लेकिन x y आपने ऐसे लेने हैं कि वो जो x y है वो a से ही आने चाहिए। तो a में जो एलिमेंट है वो 14 तक हैं, ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, तो इसलिए ये वाला आपके पास एलिमेंट नहीं आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे r क्या बन गया बेटा, किस टाइप के एलिमेंट हो गए, 1, 3, 2, 3, and 4, 12। तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया, ठीक है। तो अब हमने इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव, हाँ जी, रिफ्लेक्सिव क्या था कि हमारे पास था कि x, बिलोंग टू R, और x जो है वो किसी सेट A को बिलोंग करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें क्या आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है, मतलब x, मतलब क्या, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्या ऐसा मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं देर इज नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमें क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है सिमेट्रिक, वी हैव क्या होना चाहिए आपके पास, इफ एक्स, या आप चलो एक्स लिया मैं तो यहाँ भी एक्स, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू, एंड दिस इंप्लाइज
एंड, या एंड कर दो, एंड y कॉमा एक्स किसे बिलोंग करना चाहिए? ठीक है, वी मस्ट हैव, यहाँ पे लिखनी वी मस्ट हैव, ये हमारे पास होना चाहिए कि x y बिलोंग टू r और फिर y बिलोंग y कॉमा एक्स बिलोंग टू r। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो r है ये क्या है? सिमेट्रिक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 1,3 बिलोंग कर रहा है r को, 1,3 बिलोंग कर रहा है r को, ये जो रिलेशन है इसमें 1,3 एलिमेंट है। क्या आपके पास 3,1 है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए आपके पास कि इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज कि x, z भी जो है R में होना चाहिए, और जो x, y, z है ये किसे बिलोंग करेंगे, किसी सेट को, हमने किसी सेट का नाम लिया A, तो इसे होना चाहिए। अब देखिए क्या ये हमारे पास कंडीशन है, देखिए आपके पास 1,3 है, वी हैव 1,3 बिलोंग टू R बेटा, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर को, और अब आपके पास होना चाहिए 1,9 भी होना चाहिए था, क्या है? तो अगर नहीं है तो हमारे पास नॉट आ गया। सो यहाँ पर लिखिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, राइट ऑन। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन आपको गिवन है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि जो एक्स माइनस वाई है इज एन इंटीजर, जो भी आप एलिमेंट लेंगे इसमें जो एलिमेंट आएगा वाई को आपने एक्स में से माइनस करना है, तो कहता है कि इज एन इंटीजर, वो जो भी डिफरेंस आएगा इंटीजर होगा तो वो इस रिलेशन का पार्ट होगा, इसका वो एलिमेंट होगा। और उसने कहा कि जो सेट है वो क्या है, जेड, मतलब ऑल इंटीजर, तो जेड हमारा सेट क्या है, ऑल इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला काम क्या है कि हमने क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, मैं लिख रहा हूँ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। अगर एक्स कॉमा एक्स इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स माइनस एक्स जो आएगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो देखो यहाँ पे दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, एक्स माइनस एक्स क्या एक इंटीजर है? जीरो इज एन इंटीजर, क्या जीरो इंटीजर है? जीरो इंटीजर होता है या नहीं होता है? होता है, तो इसलिए हमारा ये एलिमेंट इसमें मिलेगा आपको। अगर मिलेगा तो क्या हो गया जाए, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नहीं समझ आया? सेकेंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक देखिए, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर,
मैंने एक एलिमेंट ले लिया कि एक्स वाई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। एक्स कोमा वाई अगर इस रिलेशन का एक एलिमेंट है तो उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है, ये कह रहा है मैं, डेफिनेशन कह रही है, ठीक है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या वाई कोमा एक्स बिलोंग टू भी इसे बिलोंग कर रहा है। एक्स कोमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है हमने कहा, डेफिनेशन कह रही है यहाँ पे इस रिलेशन की। अब मैंने वाई कोमा एक्स कर दिया तो क्या वाई कोमा एक्स भी इस रिलेशन का पार्ट है? वो कब होगा? देखो मैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? क्या ये इंटीजर है? ये बताओ, अगर x माइनस वाई इंटीजर है, क्या y माइनस एक्स और बार माइनस दिया, क्या ये इंटीजर है? नहीं, देखो हम मान के चलते हैं कि जो x माइनस वाई है वो हमारे पास है 1, x माइनस वाई जो है 1 है। एक ले लो, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ए मैं मान लेता हूँ कि x मेरे पास जो है वो 2 है और y मेरा 1 है, तो x माइनस वाई दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या है? इंटीजर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने x माइनस वाई का बाहर माइनस ले लिया, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, मैंने इसका माइनस कर दिया। अब 1 का माइनस क्या होता है? तो माइनस वन इंटीजर है, तो यहां पे अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो माइनस वाई माइनस एक्स भी क्या है? अगर वाई माइनस एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर, समझ गए? तो ये भी क्या आ गया? सिमेट्रिक, इट इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड पार्ट माना क्या है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखो क्या है, हमारे पास क्या है कि दो एलिमेंट अगर इसे बिलोंग करते हैं तो पहले एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट है वो भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा लेट एक्स कोमा वाई एंड y कोमा जेड, ठीक है, यहाँ ऐसे करते हैं x कोमा वाई बिलोंग टू r एंड y कोमा जेड बिलोंग टू r, दो एलिमेंट ले लिए, x कोमा वाई r बिलोंग कर रहा है, y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x माइनस वाई क्या है? एक इंटीजर है, तो यहाँ पे x माइनस वाई तो इंटीजर है, ये y माइनस जेड ये भी एक इंटीजर है। अब हमने प्रूव कर देना है कि ये जो x कोमा जेड है ये भी इसी का ही पार्ट है। अब देखो अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा r, इसका क्या मीनिंग है बेटा बताएं? x कोमा वाई r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एंड दूसरा y कोमा जेड किसे बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है? इज एन इंटीजर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ध्यान देना, नाउ बेटा ये इंटीजर, ये इंटीजर, वन इंटीजर है, टू इंटीजर है, इनका प्लस कितना आता है? थ्री, क्या है? तो इन दोनों का प्लस भी क्या होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्स माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये इंटीजर बेटा, ये इंटीजर है, दोनों का प्लस भी क्या होगा?
ये देखो वन इंटीजर है, टू इंटीजर है, दोनों का प्लस क्या है थ्री, तो प्लस उनका अगेन इंटीजर। मैंने यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे देखिए ये वाई से वाई कैंसिल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास ये जाएगा एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर। x माइनस वाई इंटीजर है, इसका मतलब x कोमा वाई इसका एलिमेंट है। मैंने यहाँ प्रूव किया कि x माइनस जेड इंटीजर है, यहाँ पे क्या आएगा x कोमा जेड इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो क्या मेरा प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया? Yes, तो इट इज ट्रांजिटिव। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक और चीज़ बता दूँ कि जो इनवर्स है, अगर R एक इक्विवेलेंस है ना, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा ऑन सम सेट, सपोज करो A पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप ये मान के चलें कि R इनवर्स B इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, ठीक है? चलिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट L बी सेट ऑफ ऑल लाइंस। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एंड R बी रिलेशन L। R कैसे गिवन है कि L कोमा L2 ये लाइंस है, और इन दोनों में क्या है कि जो L1 है वो पैरेलल टू L2 है, मतलब जो भी यहाँ पे आपको लाइन मिलेगी दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू गिवन लाइन। हमने सेट ऑफ लाइंस भी निकालनी है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमने प्रूव करना है कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो पहला हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं। देखो हमारे पास पहला पॉइंट क्या होता है कि एक्स कोमा एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को, आर मतलब उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब हम यहाँ पर यही देखेंगे, देखो L कोमा L2 बिलोंग टू R, L कोमा L1 बिलोंग टू R, इसका क्या मीनिंग है कि L1 इज पैरेलल टू L1, क्या ये पॉसिबल है बताएं। ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें इसने सेट ऑफ लाइंस दी हैं, तो यहाँ पे ये L1 है, दिस इज L1, तो ये कह रहा है कि L1 जो है वो L1 के पैरेलल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, L1 क्या L1 के पैरेलल है, मतलब ये लाइन अपनी लाइन के पैरेलल है? नो कि जस जतिन बोल रहा है नो, यार ये लाइन है, एक लाइन इसके ऊपर रख दो, एक और रख दो इसके ऊपर, तो ये आप एक लाइन उठा के लाओ इसके ऊपर रखो, तो ये क्या बन गई, यही लाइन बन गई, तो ये अपनी ही लाइन के अपने पैरेलल होगी, ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास L1, L1 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को जो हमारे पास रिलेशन गिवन था। मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिलेशन L1, L2 सच दैट जो L1 है वो पैरेलल है L2, मतलब ये हमारे पास इस रिलेशन का डेफिनेशन है। मतलब ये अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन होगी तो वो एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन में होगा। तो अब मैंने ये एलिमेंट ले लिया कि L कोमा L1
बिलोंग टू आर लिख दिया, ये मैं तभी लिख पाऊंगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे देखिए एल वन इज पैरेलल टू एल वन, तो ये पॉसिबल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्री में क्या है कि देखिए लेट एल वन कोमा एल टू बिलोंग टू आर। मैं कह रहा हूं कि ये एलिमेंट जो है एल वन कोमा एल टू आर को बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन कि ये फिर एल वन इज पैरेलल टू एल टू। हम प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, और हमारे पास आना चाहिए वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा आर को, तो हमें मिलना चाहिए कि वाई कोमा एक्स भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मैंने एक एलिमेंट ले लिया कि एल कोमा एल टू बिलोंग कर रहा आर को, मतलब ये दोनों लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस जो हैं वो आर को बिलोंग कर रही है। तो अगर ये दोनों आर को बिलोंग कर रही हैं तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एल वन, एल वन पैरेलल टू एल टू। तो क्या एल टू एल वन के पैरेलल नहीं है? पहले हम बोल रहे हैं कि एल वन इज पैरेलल टू, अब मैं बोल रहा हूं कि एल टू इज पैरेलल टू आल्सो, एल टू इज पैरेलल टू। तो क्या अगर मैं ऐसे लिखा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो ना एल वन कोमा एल टू, एल वन पैरेलल टू, मतलब पहले एल वन फिर अब यहां पे एल टू पहले आ गया, एल वन बाद में आ गया, तो यहां पे एल टू, यहां पे क्या आएगा एल वन, और यहां पे क्या आ जाएगा एल वन। तो क्या हमारे पास ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, तो यहां पे आप द्वारा से लेते हैं वी हैव एल वन कोमा एल टू बिलोंग टू आर एंड एल टू कोमा एल वन बिलोंग टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमें क्या कहता है कि एक्स वन सॉरी एक्स वाई एंड वाई कोमा जेड जो है वो किसी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आनी चाहिए कि एक्स कोमा जेड भी उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे, उस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, देखिए लेट एल वन कोमा एल टू बिलोंग टू आर एंड एल टू कोमा एल थ्री बिलोंग टू आर। मैंने क्या किया कि एल वन पहले ले लिया एल टू, और एल टू को पहले ले लिया एल थ्री के, ठीक है। चलिए इसको पता नहीं चलता लाइन का, लाइन पता चल रहा कि लाइन है ये, चलो ऐसे कर दिया। तो मैंने क्या लिया कि एल वन एल टू बिलोंग कर रहा आर, एल टू एल थ्री बिलोंग कर रहा आर, देखो कर रहा बिलोंग आर, L1 किसके पैरेलल है और रिलेशन ये कह रहा है कि वो पैरेलल होना चाहिए। अगर आपने L2 L3 लेने तो वो दोनों क्या होने चाहिए, तो पैरेलल आ गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू, एंड दिस इंप्लाइज L1 is parallel to L3, क्या है? Yes. देखो L1 parallel L2, L2 parallel L3, तो L1 किसके parallel आ गए L3, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे L1 is parallel to, अगर ये है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ this implies L1 comma L3 किसे belong कर रही है,
हमें यही चाहिए था कि दो एलिमेंट जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं और थर्ड एलिमेंट भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रूव करके बता दिया कि दो एलिमेंट हमने लिए वो दोनों आर को बिलोंग कर रहे थे। फिर मैंने इस पहले का एलिमेंट और इसका जो एलिमेंट है वो मैंने क्या कर दिया, प्रूव करके बता दिया कि वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लिख सकता हूँ? यही प्रूव करना था, प्रूव करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास, दो पार्ट है इसके। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द सेट ऑफ आल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। तो ये जो y इज इक्वल टू 2x+4 है, तो मैं इसे, चलो आप पहले ना नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। फिर तो सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x+4, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, आपने उन सभी लाइंस का सेट फाइंड करना है जो इसको रिलेट कर रही है, मतलब इसके रिलेटेड है। तो रिलेटेड का मीनिंग क्या है? ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x और y का जो वेरिएबल है, जो पावर है वो 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि हम सेट ऑफ लाइंस आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, दे आर पैरेलल टू इच अदर, तो इस लाइन के जो भी लाइंस के रिलेटेड जो लाइंस होगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सपोज करो कि ये एल वन जो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पहली लाइन, ये जो हमें लाइन गिवन है ये एल है, तो इस लाइन के जितनी पैरेलल लाइंस हैं उनका हमने सेट फाइंड करना है, समझ गए? तो ये जो लाइंस है, आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है? एक लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, उसमें क्या चीज़ कॉमन है? स्लोप। क्या कॉमन है? स्लोप। मतलब इस लाइन की और इस लाइन की, इस लाइन की, इससे जितनी लाइन है सबकी स्लोप क्या होगी? सेम होगी। सबकी स्लोप सेम होगी, सिर्फ फर्क क्या है? पॉइंट अलग है। ये इस पॉइंट से पास करिए, इस पॉइंट से करिए, इस पॉइंट से करिए, इससे हर पासिंग पॉइंट अलग है, लेकिन सबकी जो स्लोप है वो क्या है? सेम है। तो अगर हमने सेट ऑफ लाइंस निकालनी है जो इसको कोरिलेट कर रही हैं, तो वो कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में क्या होता है? इक्वल स्लोप। तो इसकी स्लोप ले लो, देयरफॉर स्लोप क्या है इसकी, और स्लोप फाइंड करने आती है, 11th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx+c। यहाँ पे m क्या है? स्लोप। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखो तो स्लोप कितनी है? 2। और इसे आप m लिख सकते हैं। तो इक्वेशन, तो सेट ऑफ इक्वेशन जो जो जितनी इक्वेशंस हैं, ये सारी इनफाइनाइट इक्वेशंस हैं, तो इनकी इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ लाइंस रिलेटेड टू गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2x+4 इज क्या आएगी बेटा? y इज इक्वल टू mx+c, और m कितना है यहाँ पे? 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x+c, तो ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन, नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो फंक्शन पे होगा, ठीक है।